हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल है इंडियन आर्मीज डेडपूल अ मेजर हु कॉन्कर्ड बर्निंग इन्फेर्नो इंडियाज ब्रेवेस्ट सीजन 2 एपिसोड 5 बाय लिबरल हिंदू। गाइस, ये वीडियो भी हमें रिकमेंड की गई थी। थैंक यू सो मच। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगर हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। अम्मा, हो सकता है इस बार मैं घर वापस ना आ पाऊं, और अगर आऊं भी तो शायद तिरंगे में लिपटा हुआ। लेकिन मैं किसी भी हालत में वापस आऊं, मुझे वचन दो कि तुम बिल्कुल भी नहीं रोओगी, बल्कि पूरे गर्व से सर उठा के मुझे अंतिम विदाई दोगी। अपने एक हाथ में मोबाइल और दूसरे में 15 किलोग्राम का विस्फोटक लिए घर के बाहर खड़ा भारतीय फौजी अपनी माँ से ये कहता है। लेकिन इससे पहले कि उसकी माँ अपने बेटे से कुछ बोल पाती है, कि 47 राइफलों का शोर उसके कानों को सुन्न कर देता है। गोलियों की आवाज सुनते ही इस माँ के हाथों से फोन छूट कर नीचे गिर जाता है, जिसमें अभी भी उसके बेटे की आवाज सुनाई दे रही थी। हेलो हेलो अम्मा, मेरी आवाज आ रही है आपको? कश्मीर से 3500 किलोमीटर दूर केरल के अलपूजा में डर के मारे जम चुकी राजलक्ष्मी नायर अभी अपना फोन उठाने के लिए नीचे झुकी रही होती हैं कि तभी दूसरी तरफ से उनका बेटा कहता है, अम्मा घबराना मत, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। इधर बुरी तरह बेचैन हो चुकी राजलक्ष्मी बार बार अपने बेटे का नंबर मिला रही थी, लेकिन उधर कश्मीर में उनके फौजी बेटे ने अपने फोन को साइलेंट कर दिया था, और अब वो अपने हाथों में बॉम्ब लिए अत्यंत सावधानी के साथ उस घर के अंदर घुस रहा था। घर जिसके अंदर घुसने के ठीक 3 मिनट बाद इस 31 वर्षीय भारतीय फौजी के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना मात्र से ही बड़े से बड़े वीरों की भी आत्मा कांप उठे। लेकिन अपने हाथों में 15 किलोग्राम का आईडी लिए आगे बढ़ रहा यह मलयाली कोई आम वीर नहीं था, बल्कि भारतीय फौज की 42 राष्ट्रीय राइफल्स का एक महाशक्तिशाली मेजर था। फौलादी कलेजे वाला एक मेजर जो आज किस रात यमराज के भैंसे को उसके सींगों से पकड़ बार बार पटकनी देने वाला था। अपने शरीर से गिर रहे मांस के लोथड़ों को एक हाथ में समेटे दूसरे हाथ से दुश्मन को धाराशायी करने वाले इस भीम का नाम था मेजर ऋषि राज लक्ष्मी नायर। में शनिवार की ये सुबह मेजर ऋषि के लिए रूटीन से काफी अलग शुरू हुई थी। आज उनके यूनिट ने त्राल की स्थानीय पुरुष आबादी के लिए एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया था। अब शुरुआत में तो इस कैंप को लेके यहाँ के लोगों में कोई खास उत्साह नहीं था, लेकिन जब उनको पता चलता है कि इस कैंप का आयोजन उनके अपने खान ने किया है तो देखते ही देखते यहाँ आने वाले लोगों की कतार कई गुना लंबी हो जाती है। त्राल के स्थानीय लोग मेजर ऋषि को प्यार से खान कहकर बुलाते थे। 2 साल पहले त्राल आए मेजर ऋषि जानते थे कि आतंकियों से संक्रमित इस इलाके में बिना स्थानीय लोगों की मदद के ऑपरेट करना संभव नहीं है, इसीलिए अपनी पोस्टिंग के पहले दिन से ही उन्होंने लोकल लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया था। वो उनके घरों में खाना खाते थे, उनके बच्चों के साथ क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे, और जब किसी को जरूरत हो तो अपना बटवा भी खाली कर दिया करते थे। दोपहर होते होते मेडिकल कैंप में आए लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए मेजर ऋषि अपने सीनियर से बात करके कैंप की टाइमिंग्स को
आगे बढ़वा देते हैं। अब दोपहर के लगभग 3 बज चुके थे और मेजर ऋषि यहाँ आने वाले लोगों के लिए चाय पानी का इंतजाम करने में लगे हुए थे कि तभी उनके पास उनके सीओ की एक कॉल आती है। ऋषि, मेरे पास अभी अभी एक इनपुट आया है। हमारा एक हाई लेवल टारगेट हाफू गांव में छिपा हुआ है एंड गेस व्हाट, हिज नेम इज आकिब मौलवी। हफीज मोहम्मद आकिब और वाकिब मौलवी कोई आम आतंकी नहीं था। अवंतीपुरा में जन्मे इस हिजबुल कमांडर को वानी 2.0 कहा जाता था और वो इसलिए क्योंकि वानी की ही तरह ये भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने में अच्छी खासी महारत रखता था। भारत सरकार के विरुद्ध प्रोपेगेंडा करने और कश्मीर के किशोरों को ब्रेन वॉश करने के लिए आकिब ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का पिछले कई सालों से सफलतापूर्वक इस्तेमाल करता आ रहा था। आंखों में सुरमा लगाने वाला ये शातिर आतंकी सोशल मीडिया स्किल्स के अलावा भारतीय फौज के ऊपर अटैक्स ऑर्गेनाइज करने और खुद को छिपा कर रखने में भी खूब महारत रखता था और उसकी यही महारत उसे बहुत ही जल्द ISI की नजरों में ले आई थी। यही कारण था कि बिना कोई समय गवाए मेजर ऋषि अपने साथियों के साथ हाफू गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्हें मिले इंटेलिजेंस के अनुसार आज हाफू गांव में आके मौलवी अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ JEM का एक और आतंकी सैफुल्ला उर्फ ओसामा भी छिपा हुआ था। चार बजे के आसपास मेजर ऋषि अपनी QRT के साथ हाफू गांव पहुंच जाते हैं और उनके वहां पहुंचते ही स्थानीय लोगों की भीड़ उनके ऊपर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाना शुरू कर देती है। इस समय तक CRPF और JEND के पुलिस की यूनिट्स भी लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। बिना कोई समय गवाए मेजर ऋषि इन यूनिट्स को पत्थरबाजों पर काबू पाने का आदेश देते हैं जिससे कि वो और उनकी टीम अपने शिकार पर फोकस कर सके। मेजर ऋषि अच्छे से जानते थे कि यदि पत्थरबाजों की इस भीड़ ने उन्हें और उनकी टीम को दबा लिया तो आकिब अपने बचकर भागने के रिकॉर्ड में एक और सफल एस्केप जोड़ लेगा और आज वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकते थे। किसी तरह पत्थर बरसा रही भीड़ को चीरते हुए मेजर ऋषि और उनकी QRT गांव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद मेजर ऋषि QRT को दो दो की टीम से बांट गांव के एक घर की तलाशी लेने का आदेश देते हैं और खुद भी अपने बड़ी के साथ यहां बने घरों को क्लियर करने में जुट जाते हैं। लगभग आधे घंटे एक के बाद एक कई घरों को क्लियर करने के बाद मेजर ऋषि बाहर खुले में आकर खड़े हो जाते हैं। गाँव की जिस गली में वो खड़े हुए थे उसके एक सिरे पर पुलिस वालों से घिरी भीड़ पत्थर फेंक रही थी और दूसरे सिरे पर एक खुला जंगल था। वो दोनों किसी भी दिशा में भाग सकते हैं और हो सकता है कि अब तक भाग भी चुके हों। अभी मेजर ऋषि ये सोच ही रहे थे कि तभी उनकी नजर एक घर के बाहर खड़े कुछ लोगों पर पड़ती है। उनसे कुछ दूरी पर खड़े ये लोग पत्थरबाजों का हिस्सा नहीं थे इसीलिए मेजर ऋषि उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि इनमें से एक आदमी उन्हें लगातार घूरे जा रहा है। मेजर ऋषि भी इस आदमी के ऊपर अपनी नजरें टिका लेते हैं और तभी उस आदमी की आंखें कुछ घरों की तरफ एक इशारा करती हैं। इस गांव वासी से इशारा मिलते ही मेजर ऋषि उन घरों की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जंगल की दिशा में लगभग 200 मीटर आगे चलने के बाद एक घर के बाहर रुकते हैं और फिर पीछे मुड़ वापस उसी आदमी की तरफ देखते हैं तो वो बहुत ही धीरे से अपनी गर्दन हां में हिला देता है। मेजर ऋषि समझ जाते हैं कि आकिब और उसका पाकिस्तानी साथी इसी घर के अंदर छिपे हुए हैं। मेजर ऋषि तुरंत अपनी टीम को इस घर के चारों तरफ एक घेरा बनाने का आदेश दे देते हैं। वो जानते थे कि यदि वाकई दोनों आतंकी इस घर के अंदर छिपे हुए हैं तो वो सर से पैर तक हथियारों से जरूर लदे होंगे। इसीलिए अपनी टीम के साथ घर के बाहर बनी दीवार के पीछे कवर लेते हुए मेजर ऋषि लाउड स्पीकर पर कहते हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने हाथ ऊपर करके चुपचाप बाहर आ जाइए। हमारा आपको नुकसान पहुंचाने या मारने का कोई इरादा नहीं है, प्लीज बाहर आ जाइए। मैं आपको वचन देता हूं कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा।
इन दोनों आतंकियों को सरेंडर नहीं बल्कि मरने मारने के लिए ट्रेन किया गया था। अभी मेजर ऋषि की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि घर की दूसरी मंजिल से फौज के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। दूसरी मंजिल पर छिपे आकिब और सैफुल्ला अपनी पोजीशंस बदलते हुए AK-47 से मेजर ऋषि की टीम के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर चुके थे। J&K पुलिस और CRPF भी तुरंत इस ऑपरेशन का हिस्सा बन चुकी थी और इसी के साथ एक अत्यंत भीषण फायर फाइट का आरंभ हो चुका था। फायर फाइट जो बिना एक क्षण के रुके अगले कई घंटों तक ऐसे ही चलने वाली थी। फौज और आतंकियों के बीच शुरू हुए इस स्टैंड ऑफ को पूरे 2 घंटे हो चले थे। मेजर ऋषि समझ जाते हैं कि ये कोई आम सिविलियन घर नहीं बल्कि विशेष तौर पर बनाया गया हिजबुल का सेफ हाउस है, जिसके अंदर इतना असला बारूद स्टॉक किया गया है कि आतंकी काफी देर तक लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन असली प्रश्न ये था, कितनी देर तक? सूरज की आखिरी किरण ढलने से पहले मेजर ऋषि अपने हाथों में वो 15 किलोग्राम का ईडी उठाते हैं और पीछे से मिल रही कवर फायर की सुरक्षा में भारी दीवार को फांद घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। मेजर ऋषि के पीछे उनका बड़ी लांस नायक आवेश कुमार भी दूसरी मंजिल पर फायरिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ देर बाद 42 RR के दोनों फौजी घर के मेन दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। अभी मेजर ऋषि आईडी को दरवाजे पर प्लांट कर ही रहे थे कि तभी दूसरी मंजिल से हो रही फायरिंग अचानक ही रुक जाती है। साफ था कि दोनों आतंकी उनके प्लान को भांप चुके थे और अब खुद को बचाने के लिए अपनी पोजीशंस बदल रहे थे। इधर नीचे दरवाजे पर आईडी प्लांट करने के बाद मेजर ऋषि बाहर तैनात अपनी टीम को थोड़ा पीछे हटने का इशारा करते हैं और खुद अपने बड़ी के साथ दीवार की तरफ भागते हुए वायरलेस डेटोनेटर के रिमोट का बटन दबा देते हैं। जमीन को दहला देने वाला एक जोर का धमाका होता है और देखते ही देखते इस घर का अगला हिस्सा नीचे ढह जाता है। लेकिन इसी धमाके से निकला पत्थर का एक टुकड़ा तेज गति से मेजर ऋषि की तरफ आता है और उनके हेलमेट के ठीक नीचे माथे पर लग जाता है और इससे पहले वो कुछ समझ पाते उनके माथे से खून का एक फव्वारा सा छूट पड़ता है। हिजबुल के सेफ हाउस का अगला हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका था। मेजर ऋषि और उनका बड़ी बाउंड्री वॉल के पीछे आ चुके थे और लगभग 15 मिनट की चुप्पी के बाद एक बार फिर दूसरी मंजिल से फायरिंग शुरू हो चुकी थी। मेजर ऋषि का एक साथी उनके माथे से रिस रहे खून को रोकने के लिए उनकी पट्टी करने में लग जाता है और इसी दौरान उनके दिमाग में एक और आइडिया आता है। मेजर साहब दोबारा घर की तरफ बढ़ेंगे, कवर फायर के लिए तैयार रहे। इधर 42 RR की QRT को ये मैसेज मिलता है और उधर मेजर ऋषि एक बार फिर उस घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और इस बार उनके हाथों में IED नहीं बल्कि मोलोटोव कॉकटेल्स थी। कंपाउंड के अंदर पहुंचने के बाद मेजर ऋषि कुछ मोलोटोव्स को घर के अंदर अलग अलग हिस्सों में फेंक पीछे हटना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते घर आग की लपटों में तब्दील होने लगता है। मेजर ऋषि को लग रहा था कि खुद को आग से बचाने के लिए दोनों आतंकी घर से बाहर भागेंगे ही भागेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लगभग 20 मिनट तक धू धू कर जलने के बाद आग शांत हो चुकी थी। घर का ज्यादातर हिस्सा कोयला बन चुका था लेकिन आकिब और सैफुल्ला अभी भी बाहर नहीं निकले थे। आग की चंद आखिरी लपटों को छटपटाते हुए देख मेजर ऋषि का मन भी छटपटाने लगता है। उनकी एक और टैक्टिक फेल हो चुकी थी और कहीं ये पूरा ऑपरेशन भी फेल ना हो जाए, ऐसा विचार मात्र ही मेजर ऋषि को बेचैन कर रहा था। आधी रात होते होते मेजर ऋषि के CEO कर्नल नीरज भी साइट पर पहुंच जाते हैं। सर, मैं एक बार फिर आईडी के साथ घर के अंदर जाना चाहता हूँ। मेजर ऋषि की ये बात सुन कर्नल नीरज उन्हें कुछ ऐसे देखने लगते हैं जैसे अपने जीवन में पहली बार वो किसी पागल दीवाने को देख रहे हों। अपने माथे पर बंधी पट्टी को तो देखो, खून से लबालब हो चुकी है। तुम्हें पता भी है तुम्हारा कितना खून बह चुका है? इससे पहले कि कर्नल नीरज की ये बात खत्म होती, अत्यंत व्याकुल मेजर ऋषि उनसे कहते हैं, सर मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिलीव मी आई एम 110% फिट और हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन भी तो नहीं है। मेजर ऋषि की ये बात सुन थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद कर्नल नीरज उनसे कहते हैं, ठीक है फिर कोई और आईडी लेके अंदर चला जाएगा, तुम यहीं रहो। नहीं सर, ये मेरा ऑपरेशन है और मैं ही जाऊंगा, प्लीज मुझे अंदर जाने की परमिशन दे दीजिए।
आखिरकार सीओ साहब को अपने जिद्दी मेजर के सामने हार माननी ही पड़ती है। इस बार मेजर ऋषि अपने एक्सपर्ट को 15-15 किलोग्राम की दो आईडीज असेंबल करने के लिए कहते हैं और वो कुछ ही मिनटों में दो आईडीज तैयार कर उनके सामने रख भी देता है। लेकिन जैसे ही मेजर ऋषि इनमें से एक विस्फोटक अपने हाथ में उठाते हैं, उन्हें एक अजीब सा पूर्वाभास होने लगता है। पूर्वाभास जिसमें अपने सींग उठाए काला स्याह भैंसा मेजर ऋषि को घूरते हुए हुंकार भर रहा था। अपने जीवन में पहली बार ऐसा महसूस कर रहे मेजर ऋषि की आंखों के सामने उनका पूरा जीवन फ्लैश होने लगता है। केरल के कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्हें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर यानी के एई की नौकरी मिल गई थी। एक ऐसी सरकारी नौकरी जिसे पाए इस देश के शायद 90% मिडिल क्लास युवक जीवन भर के लिए संतुष्ट हो जाते, लेकिन मेजर ऋषि उन 90% युवकों में से नहीं थे। एक साल बाद वो SSB का एग्जाम क्लियर कर एयर इंडिया ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके चलते उन्हें मुंबई भेज दिया जाता है। लेकिन इस सरकारी नौकरी में भी उनका मन बिल्कुल नहीं लगता और इसका कारण था इंडियन आर्मी का वो कीड़ा जो उन्हें बहुत बुरी तरह काट चुका था। तेलुगु वारंटे ने गुत्ति वंकाय, गुत्ति वंकाय अंटे खारम, इदि वरकु नेनु था। इसीलिए वो SSC का एग्जाम देते हैं और पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर IIM देहरादून पहुंच जाते हैं। दस में उन्हें आर्मी की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में कमीशन कर दिया जाता है। इस इन्फेंट्री में रहते हुए मेजर ऋषि अगले 5 सालों के दौरान राजस्थान के रेगिस्तानों से लेकर कांगो में इंडिया के UN पीस कीपिंग फोर्स के साथ भी सर्व करते हैं। कांगो में सर्विस के दौरान जब वो 1 महीने की छुट्टी पर भारत आते हैं तो उनकी शादी भी हो जाती है और कांगो में अपना मिशन पूरा कर भारत लौटने के बाद उनका कॉम्बैट पोस्टिंग का सपना भी पूरा हो जाता है, सपना जो वो आर्मी ज्वाइन करने के पहले दिन से देखते आ रहे थे। 2015 में उन्हें राष्ट्रीय राइफल्स के साथ कश्मीर के त्राल सेक्टर में पोस्ट कर दिया जाता है। और आज 2 साल बाद त्राल के इस गांव में खड़े मेजर ऋषि की आंखों के सामने उनका पूरा अतीत एक फिल्म की तरह फ्लैश हो रहा था। शायद यही कारण था कि ना चाहते हुए भी वो केरल में गहरी नींद सो रही अपनी मां राज लक्ष्मी को फोन कर ही देते हैं। अपने नाम में पिता की जगह मां का नाम लगाने वाला ये फौजी बेटा अपनी जान दांव पर लगाने जा रहा था और ऐसा करने से पहले वो एक बार बस अपनी मां की आवाज सुनना चाहता था। गोलियों की आवाज सुनते ही मेजर ऋषि की मां के हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर पड़ता है। मेजर ऋषि कई बार हेलो हेलो करते हैं और जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता तो वो दूसरे आईडी को भी अपने हाथों में उठा घर के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। मेजर ऋषि जानते थे कि उन्हें अपनी मां को फोन नहीं करना चाहिए था। उन्हें पता था कि अब वो रात भर उनके लिए परेशान रहेगी और भगवान के सामने बैठी प्रार्थना करती रहेगी, लेकिन अब उनके पास अपनी मां को दोबारा फोन कर दिलासा देने का समय बिल्कुल नहीं था। इधर मेजर ऋषि घर के अंदर घुसते हैं, उधर दूसरी मंजिल पर फंसे दोनों आतंकी अब बिना किसी पॉज के लगातार फायरिंग करने लगते हैं। इसका मतलब ये था कि उनकी छटपटाहट अब अत्यंत घातक रूप ले चुकी थी। अपने पेट के बल अंदर घुसने के बाद मेजर ऋषि दोनों आईडीज को ग्राउंड फ्लोर पर घर के साबुत बचे हिस्से में प्लांट कर देते हैं और एक बार फिर घर से बाहर की तरफ रेंगने लगते हैं। बाहर आते ही मेजर ऋषि वॉकी टॉकी पर अपने बड़ी को 30 सेकंड का काउंटडाउन शुरू करने का आदेश दे देते हैं। काउंटडाउन जिसके खत्म होते ही एक्सपर्ट को डेटोनेटर के रिमोट में लगा लाल बटन दबा देना था। इधर लांस नायक आवेश कुमार काउंटडाउन शुरू करते हैं और उधर मेजर ऋषि घर की विपरीत दिशा में दौड़ने लगते हैं। दो आईडीज का मतलब था 2 गुनी तीव्रता और 2 गुनी तबाही। 13, 12, 11, 10, रुक जाओ, बटन मत दबाना, आई रिपीट, बटन मत दबाना।
डेटोनेशन में केवल 10 सेकंड बचे थे कि तभी रेडियो पर मेजर ऋषि की तरफ से काउंटडाउन रोकने का ऑर्डर आता है। घर से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद मेजर ऋषि को अचानक ये लगने लगता है कि यदि इन आईडीज को घर के और ज्यादा भीतर प्लांट किया जाए तो वो कई गुना ज्यादा प्रभावशाली साबित होंगे। इसीलिए अपनी टीम को इंतजार करने का आदेश दे वो एक बार फिर घर की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तीसरी बार घर के अंदर घुसे मेजर ऋषि जैसे ही आईडीज को उठाने के लिए नीचे झुकते हैं, उनकी नजर टूटी फूटी सीढ़ियों से नीचे उतर रही एक परछाई पर पड़ती है। इधर मेजर ऋषि का हाथ अपनी राइफल के ट्रिगर पर जाता है और उधर दुश्मन की बंदूक से निकली कई गोलियां सीधा आकर उनको लग जाती है। उनके पैर हवा में उठ जाते हैं और शरीर जमीन पर गिरने लगता है और इसी दौरान वो अपनी राइफल से उस परछाई के ऊपर एक भीषण अग्नि वर्षा कर डालते हैं। एक तरफ तो सीढ़ियों से उस आतंकी का बेजान शरीर रेत की बोरी की तरह नीचे गिरता है और दूसरी तरफ मेजर ऋषि भी जमीन पर पड़े होते हैं। इस समय मेजर ऋषि का आधे से ज्यादा चेहरा नीचे लटक रहा था, वो बोल नहीं पा रहे थे और उनकी दृष्टि भी धुंधली पड़ती जा रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये मलयाली बब्बर शेर अपने चेहरे से गिर रहे मांस के लोथड़ों को एक हाथ में संभालता है और दूसरे हाथ से ऊपर की तरफ फायरिंग करता हुआ अपनी कमर के बल इस मौत के पिंजरे से बाहर निकलने लगता है। जैसे ही मेजर ऋषि दरवाजे पर पहुंचते हैं, लांस नायक आवेश की नजर उन पर पड़ जाती है। वो उनकी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी मेजर ऋषि अपना हाथ ऊपर उठा उनसे वहीं रुकने को कहते हैं। उन्हें लग रहा था कि दूसरा आतंकी अभी भी जीवित है और वो अपने बड़ी का जीवन खतरे में नहीं डालना चाहते थे। 2 साल पहले उन्होंने अपनी टीम को वचन जो दिया था। मेरे होते तुम ताबूत या व्हीलचेयर में अपने घर नहीं जाओगे। वैसे तो तुम लोग ही मेरी असली ताकत हो, लेकिन फिर भी दुश्मन की बंदूक से निकली हर गोली को तुम तक पहुंचने से पहले मेरा सामना करना होगा। ये मेरा तुम सबसे वादा है। आज 2 साल बाद इस हालत में भी मेजर ऋषि अपनी टीम को दिया ये वचन खूब निभा रहे थे, लेकिन इस समय वो और उनकी टीम नहीं जानते थे कि दूसरा आतंकी सैफुल्ला भी दूसरी मंजिल पर मरा पड़ा है। इस बात से अनभिज्ञ मेजर ऋषि किसी तरह घर से बाहर निकलते हैं और फिर खुद को दरवाजे पर बने 3 फुट ऊंचे चबूतरे से नीचे गिरा लेते हैं। उनके नीचे गिरते ही लांस नायक आवेश के साथ 2 और फौजी दौड़कर उनके पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद लांस नायक आवेश दूसरी मंजिल की दिशा में फायरिंग करने लगते हैं और बाकी दोनों फौजी मेजर ऋषि को खींच कंपाउंड से बाहर ले जाते हैं। काउंटर साइट से सुरक्षित दूरी पर आने के बाद एक जीप में डाल मेजर ऋषि को पास ही बने एक हेलीपैड ले जाया जाता है। मेजर ऋषि की आंखें बंद हो रही थी, लेकिन वो अभी भी जीप की सीट पर बिल्कुल सीधा बैठे हुए थे। जीप में मेजर ऋषि के साथ मौजूद मेडिक पूरे रास्ते बस उनके चेहरे को ही घूरे जा रहा था। वो जानता था कि उसके पास जो मेडिकल सामान है उससे वो उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता। कुछ मिनट बाद मेजर ऋषि को ले एक हेलीकॉप्टर श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर नीचाई पर उड़ता हुआ यह हेलीकॉप्टर श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा होता है और उधर मेजर ऋषि की यूनिट का एक फौजी उनकी पत्नी को फोन मिलाता है। मेजर ऋषि की पत्नी अनुपमा भी इंडियन आर्मी में ही एक मेजर थी और इस समय मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अंडर 92 बेस हॉस्पिटल में ही सर्व कर रही थी। जब उनकी यूनिट से फोन आया तो मैं ऋषि की कॉल के इंतजार में जाग ही रही थी। मुझे लगा कि उनका ही फोन होगा, लेकिन जब मैंने फोन उठाया तो मुझे पता चला कि उन्हें तो बहुत गंभीर चोटें आई हैं। मैं तुरंत आनन फानन में हॉस्पिटल के लिए निकल गई और ट्रॉमा वार्ड में उनका इंतजार करने लगी। हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले मेजर ऋषि की नजर अपनी पत्नी पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाते एक डॉक्टर उनके पास आ जाता है।
ये डॉक्टर जो अपने करियर में हर प्रकार का केस देख चुका था, जब मेजर ऋषि के चेहरे को देखता है तो इसके मुंह का रंग पीला पड़ जाता है। काफी ज्यादा खून बह जाने के कारण मेजर ऋषि की आंखें बंद होने लगती हैं, तो उनके पास खड़ा ये डॉक्टर उन्हें उठाने लगता है। मेजर आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कुछ नहीं हुआ है? बस आपको सोना नहीं है प्लीज डॉक्टर। अपना आधे से ज्यादा चेहरा खो चुके मेजर ऋषि चाहकर भी बोल नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो अपना बायां हाथ उठा थम्स अप का इशारा कर देते हैं और बहुत ज्यादा घबरा चुके इस डॉक्टर को हिम्मत देने के लिए अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ हल्के से दबाने लगते हैं। बेस हॉस्पिटल में जरूरी इमरजेंसी प्रोसीजर्स पूरा करने के बाद मेजर ऋषि को दिल्ली स्थित इंडियन आर्मी के प्रतिष्ठित रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल ले जाने को कहा जाता है और अगले दिन की सुबह मेजर ऋषि और उनकी पत्नी इंडियन एयरफोर्स के C-130 विमान से दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। इसी दिन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव पाकिस्तान आर्मी का एक संगठन है, आकिब और सैफुल्ला की मौत पर शोक प्रकट करते हुए एक बयान जारी करता है। हफीज मोहम्मद आकिब उर्फ आकिब मौलवी और सैफुल्ला उसामा जम्मू कश्मीर के दो चमकते हुए सितारे थे, दो ऐसे हीरे थे जिनकी चमक कभी कम नहीं होगी। इन दोनों की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। कश्मीर के इन दोनों सितारों को बुझाने वाले मेजर ऋषि को कई दिनों के बाद उठने और बैठने की अनुमति दे दी जाती है। 8 सर्जरीज और अत्यंत गहन उपचार के बाद जब मेजर ऋषि बोलने की स्थिति में आते हैं तो वो सबसे पहले 18 मार्च के अखबार मांगते हैं। वो इन अखबारों में अपने हाफू ऑपरेशन की खबरें पढ़ना चाहते थे, एक सफल ऑपरेशन जिसके दौरान वो कई बार जलते नरक के मुंह में घुसे थे और जीवित वापस भी आए थे। दिल्ली के R&R में भर्ती होने के कुछ दिन बाद मेजर ऋषि की मां राजलक्ष्मी भी अपने बेटे से मिलने आती हैं। उनका बेटा जो अपना आधे से ज्यादा चेहरा हमेशा हमेशा के लिए खो चुका था, लेकिन अपने बेटे का पूरी तरह पट्टियों से ढका हुआ चेहरा देखने के बाद भी ये मां अपनी आंखें नम नहीं होने देती। उसके बेटे ने उस रात उससे ना रोने का वचन जो मांगा था। मेजर अनुपमा ने आने जाने वालों को साफ बोला हुआ था कि कोई भी उनके पति के सामने रोएगा नहीं, क्योंकि वो अपने पति के बारे में कुछ ऐसा जानती थी जो बाकी दुनिया को नहीं पता था। मेजर ऋषि हमेशा से ही एक मॉडल भी बनना चाहते थे। दूसरों को रोने के लिए मना करने वाली मेजर अनुपमा खुद लोगों से छुप छुप कर खूब रो रही थी। उसको बार बार अपने पति की वो बातें जो याद आ रही थी। यार अनु, मैं आर्मी से परमिशन लेके कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स करूंगा, बोलो क्या कहती हो? आईने के सामने खड़े मेजर ऋषि अलग अलग पोज बनाते हुए ये कहा करते थे और फिर दोनों पति पत्नी जोर जोर से हंसने लग जाते थे। मेजर ऋषि से सबसे पहले मिलने आए लोगों में उस समय के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल थे। जब से उन्होंने उनकी वीरता और चोटों के बारे में सुना था, वो खुद हॉस्पिटल जा उनसे मिलना चाहते थे। आर्मी चीफ के साथ हुई इस मुलाकात को याद करते हुए आज भी मेजर ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एनकाउंटर के बाद श्रीनगर में जब मैंने अनुपमा को देखा तो मैं नहीं रोया। दिल्ली में जब अम्मा मुझसे मिलने आई मैं तब भी नहीं रोया, लेकिन जब चीफ मेरे सामने आए तब मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। मुझे ये सोचकर रोना आ रहा था कि खुद इंडियन आर्मी के चीफ मुझसे मिलने आए हैं और मैं अपने इन दो पैरों पर खड़ा हो उन्हें सल्यूट तक नहीं कर पा रहा हूँ। खत्म हो गई और जिस किसी ने भी रिकमेंड की थी थैंक यू सो मच। तो
सबसे पहले तो लास्ट लाइन क्या थी इस वीडियो की कि ये जो बंद है कि जो इसमें लिखी हुई थी कि 200 आर्मी पर्सनल्स लाइक वो डिसेबल्ड होते हैं हर साल एवरी ईयर. तो मैंने पहली वीडियोस में भी ये कह चुकी हूँ मैं कि अक्सर दूसरे देशों में ऐसा होता है कि कोई आर्मी का कोई इंजर्ड होता है, कुछ शहीद होते हैं क्योंकि कोई वॉर होती है. हमारे इंडिया में देखा नहीं हो कैसे पत्थरबाजी वो कर रहे थे, वो स्टोन में रहने वाले लोग स्टोन पेंटिंग कर रहे थे. ये बहुत गलत चीज है. और एक चीज ये अच्छी हुई है कि 370 के बाद ये हमें बिल्कुल लाइक बहुत महीनों में एक बात आती है कि हाँ कभी ऐसा हुआ है, ये चीज बहुत अच्छी हो गई. नहीं तो आर्मी को क्या है कि टेररिस्ट से भी लड़ना है, स्टोन पेल्टर से भी लड़ना है. और ये भी है कि हमारी आर्मी उन पर गोलियां नहीं चलाती, अगर एक बार चला दे तो ये लोग कोई उठ के भी ना आए. पर खैर वो छोड़ो. तो ये एक चीज बहुत अच्छी थी कि और एक ये भी दुख होता है कि हर साल 200 कम नहीं होते, 200 आर्मी पर्सनल्स डिसेबल्ड होते हैं, उनके लाइक उसमें भी खर्चा लगता है तो बहुत लॉस भी होता है इस चीज में. और सबसे पहले और फिर एक और चीज कि ये वो जज्बा होता है कि उन्हें गवर्नमेंट नौकरी मिल, गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी, फिर भी उन्हें आर्मी में जाना था. लाइक उनके अंदर पहले गवर्नमेंट जॉब मिली, उसके बाद मुंबई में उनकी पोस्टिंग थी एयर इंडिया, हाँ. वहां से भी हटके फिर एसएससी. तो वो दिखाते हैं कि उनके अंदर वो लाइक वो ब्रेन भी था, फिर भी उनको आर्मी में जाना था. ये जज्बात होते हैं कि नहीं तो हम जैसे लोग होते हम तो बोलते चलो आईडी उधर रख दिया, उतना अंदर क्यों जाना है, हम लोग तो यही करते. पर इन्होंने आईडी वो सही जगह रखा था क्योंकि बाद में नीचे ही आया था वो जो बंदा, वो नहीं पता उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा. नहीं आया था बट उनके माइंड में एक बार आया था ना ये चीज की मैं और अंदर रख के आता हूँ जिससे मतलब पूरा वो हो जाएगा. ये वो जज्बात होते नहीं तो हम जैसे लोग तो बोले कि नहीं नहीं इधर रख दिया वो अपने आप हो जाएगा. ये एक बहुत बहुत ही अच्छी चीज है. और जैसे कि इन्होंने बोला कि जब वो मुझसे मिलने आई जब भी मैं नहीं रोया, जब उनकी माँ मिलने आई जब भी मैं नहीं रोया, और जब चीफ मेरे सामने खड़े थे जब उनको रोना आया, क्योंकि अभी भी वो यही कह रहे थे कि मैं उनको सल्यूट नहीं कर पा रहा. तो वो पेट्रियोटिज्म होता है जो हम लोगों में भी होता है, बट जो पर्सनल्स होते हैं आर्मी पर्सनल्स डिफेंस पर्सनल्स उनके अंदर एक अलग ही चीज होती है. और इन्होंने जैसे बोला था ना कि इनको सब कुछ रिवाइव हो रहा था, मेरे को तो लगा उस वक्त शहीद वहीद हो जाएंगे तो मेरे को लगा कि इसीलिए लाइक ऐसे दिखा रहे हैं. पर थैंकफुली जब उन्होंने बोला ना कि कितने दिनों के बाद उनको लाइक बैठने के लिए परमिशन दे दी, जब जाके बहुत अच्छा लगा. ये चीज बहुत अच्छी थी. इवन जो इनकी फोटोज दिखाई थी इनको मॉडलिंग करनी है, ये बहुत अच्छा था. कैसे अच्छे दिखते ये कहावत है जो जाको रखे साइया मार सके ना कोई, तो ये हकीकत है एक्चुअली कि भगवान ने जिसका उम्र जितना लिखा गया है उतना ही होता है. अभी इनका भी मेन वही था कि उम्मीद नहीं थी, मतलब जैसे जैसे हम वीडियो देख रहे थे कि हमें खुद रोना आया ये वीडियो देख के कि घर वालों के ऊपर तो इनके वालों के ऊपर बीतती है जो भी है, बट दुख हुआ कि पता नहीं गलती से कुछ हो जाए या शहीद हो गए या जो भी है, लेकिन भगवान ने इनका उम्र लिखा हुआ था कि ये मौत के मुंह से भी बच के बाहर आए. लेकिन वो जज्बा, हाँ वो जज्बा अलग था इनका कि मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी उनको खुद के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं था कि मैं और अंदर रख के आऊंगा उसको जाके. बट अच्छा है और बहुत बढ़िया है कि चलो जान बचाई भगवान ने. लेकिन हमारी यही एक सभी से रिक्वेस्ट है कि आर्मी अपने जो फौजी भाई होते हैं उनका प्लीज रेस्पेक्ट कीजिए, चाहे वो किसी भी वे में करना पड़े आपको. इज्जत कीजिए उनकी. एक वीडियो भी देखी थी ना जिसमें कि आर्मी के ट्रक्स जा रहे थे तो वो लोग उन्हें रोक रहे थे, पुलिस वाले. लेकिन हम ऐसे नहीं कह रहे कि पुलिस वाले गलत थे, पर ये है कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए. लेकिन उनको ऐसे बोले तुम नहीं जा सकते तो उनमें लाइक थोड़ी वो भी हुई थी. बट एक चीज अच्छी थी कि जो यंगस्टर्स है अपने लाइक यंगस्टर्स है उनमें अभी भी ना एक रिस्पेक्ट है, क्योंकि हमने देखा वो गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए थे, लाइक उनको बोल रहे थे, लाइक वो आर्मी वाले के बोल रहे थे कि भारत माता की जय, लाइक ऐसे डायलॉग्स थे. तो बहुत अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए. वो अपने लिए लाइक अपने लिए नहीं होते, अपनी कंट्री के लिए, कंट्री के लिए कर रहे हैं. सही बात है, उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ रखा है. होली दिवाली कोई भी फेस्टिवल हो, उनके बच्चे का बर्थडे हो, फीलिंग तो सभी इंसान के अंदर बराबर होती है. जब सभी सिविलियन लोग ये चीज मनाते हैं अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ, तो इनका भी मन करता है कि अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन नहीं होता है इनके पास टाइम. इनकी जो खुद की छुट्टी होती है कई बार तो ऐसा होता है कि जो साल में वो भी नहीं मिल पाती किसी सिचुएशन की वजह से, तो इनका तो मौसम का भी झेलना पड़ता है. और ऊपर से वो पत्थरबाज तो पहले था लेकिन अभी नहीं है इतना, और उग्रवादी और ये सब कुछ मतलब जो भी है दुश्मन का वो है वो भी झेलना पड़ता है. हाँ बहुत अच्छी वीडियो थी, लाइक उसमें आरएनआर के बारे में मेंशन किया गया था. उसमें बोला जाता है कि वो आर्मी की इकलौती ऐसी हॉस्पिटल है श्रीनगर में जहाँ पे बोला जाता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं 92 बेस्ड हॉस्पिटल, 92 आरआर आर्मी की है, दिल्ली में
एक वो रिसर्च एंड रेफरल करके वो आया था ना, एक हॉस्पिटल का नाम जिसमें उनको भेजा गया था। नहीं दिल्ली में भी है वो, दिल्ली में था जो C-170 से जो भेजा गया था। हाँ दिल्ली में ही तो है। वैसे श्रीनगर बेस हॉस्पिटल के बारे में कहा जाता है कि लाइक वहाँ के जो डॉक्टर है लाइक आखिरी जो नफ्स जो बचती है आदमी की उससे भी लोगों को जान से निकाल के बाहर आते हैं। और बाकी वीडियो के बारे में बोला जाए तो इसका वीडियो के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि लाइक ऑपरेशंस में किस तरह के डेंजर। अभी भी सर्व कर रहे थे क्या वो, रिटायर आई थिंक मेडिकल के अंडर कंडीशन में उनको थोड़ा भी रेस्ट। हम इनके बारे में थोड़ा सर्च करेंगे। नहीं इनका ये नहीं पता है, शायद हो सकता है कि और वो इंटेलिजेंस वाला कितना अच्छा आदमी था, मेरे को तो लगा वो खुद एक आतंकवादी है। पर इससे एक प्रिकॉशन भी लिया जा सकता है, जैसे टेक्नोलॉजी आज के जमाने में एडवांस हो गई तो लाइक ड्रोन स्ट्राइक की जा सकती थी डीप एरिया में रेदर देन इतने डेंजरस ऑपरेशन में, मतलब मैन को भेजना जिसमें उनको ट्रेनिंग दी गई है वो सब का लॉस होता है। लाइक जैसे एक पर्सन मरता है आर्मी का तो उसका तो उसकी ट्रेनिंग भी मर जाती है। और आतंकवादी को देखा अपने इंडिया में ये बहुत वो है कि सोशल मीडिया से वो इन्फ्लुएंस करते थे, देखा नहीं था वो, और वो जब वो मारे गए आतंकवादी तो उनका वो क्या कहते कि कश्मीर के दो चमकते सितारे उनको ये नहीं दिख रहा शहीद हो गए, मतलब ये इतने घरों को उजाड़ देते हैं और इतने चूल्हे बंद कराते हैं। जैसे एक शहीद अगर सैनिक होता है तो उसका परिवार कितने सारा, लोग उन पे डिपेंडेंट होते हैं, पूरा परिवार डिपेंड होता है। आर्टिकल 370 आई थिंक 2019 में आ गया था ना, उसके बाद आर्टिकल 370 कौन से ईयर में हटा था, आई थिंक 2019 2020, और ये वीडियो 5th अगस्त को तो था पर ये 2018 की वीडियो थी ये वाली 17 तभी पत्थरबाजी दिखा रहे थे उस टाइम की, पत्थरबाजी ज्यादा अभी तो खैर नहीं के बराबर ही है। थैंकफुली हमें तो लगा इमोशनल हो जाएगी भाई, थैंकफुली। तो जिस किसी ने भी हमें वीडियो रिकमेंड की थी थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी वीडियो थी। एंड अगर आप चाहते हैं हम किसी और वीडियो पे रिएक्ट करें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं एंड हाँ प्लीज हम चले जाएं। हाँ और इस वीडियो के लिए इतना ही, आप अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।